हेलो पुच्ची श्री, जय सचिदानंद। मैं जोशना चौहान, गोंदिया से, महाराष्ट्र। पुच्ची श्री, मेरा सवाल है, एकात्मक योग के टूटने से अपवाद रूप से प्रकट हुआ अक्रम, इसका मतलब बताए। मन में जो सोचते हैं, ऐसे वाणी में बोलते हैं, ऐसे आचरण में करते हैं, वो एकता टूट गई है। वाणी बोले कि कहाँ भी प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, कितने बजे, ठीक है ज़रूर आएंगे, और मन में बोले मरने दो, कौन चाहता है। दो एट ए टाइम होता है, बाहर जुदा बोलता है, मन में जुदे विचार आते हैं। अरे आज तो मेरा उपवास है, केक है फ्रिज में रख दो, मैं कल खाऊंगा। तो मन में कैसे खाने का सोच चालू है और देह में उपवास है, एकता टूट गई है। तो ऐसे मन वचन का या संसार में वाइफ के साथ है, पति के साथ है, नौकरी धंधा करते हैं, खुद जुदा हो जाता है और आत्मभाव में रह सकता है। इसके लिए अक्रम मार्ग, अक्रम विज्ञान कहा गया। एक काल में ही ऐसा विज्ञान प्रकट होता है और लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर देगा ये विज्ञान। विनोद पंडित राजकोट, शेखर चौधरी नवादा, संगीता चौहान राजकोट। जय सच्चिदानंद। पूज्यश्री ने चरणों में कोटि कोटि वंदन। शब्द क्या है? सत्य शब्द, शब्द, हाँ शब्द। तो मेरा प्रश्न आया तो एक शब्द से ही मालूम हुआ ना कि विनोद पंडित, वो मेरा नाम बोला गया, मेरा प्रश्न आया लगता है। ये शब्द माध्यम है, जो ज्ञान हमें भीतर में है वो पास ऑन करने का माध्यम शब्द है। और दूसरी भाषा, दूसरी तरफ से बोले तो पूर्वभव में जो भाव, जो को वकील अभी फर्स्ट क्लास वकीलात करता है और बहुत कमाता है, तो आज वो वकीलात करने की आज उसकी सत्ता का अधीन नहीं है। पूर्वभव में भावना की थी, उसके आधार से प्लीडिंग अच्छा कर सकता है। तो ये कैसे हुआ? तो मूल भाव खुद अज्ञानता से भाव करता है, मुझे ऐसी वाणी बोलनी है, ऐसा बिजनेस करना है, ऐसे शब्द कहने हैं, ऐसे बात बतानी है। तो ये भाव से परमाणु चार्ज हो जाते हैं और चार्ज परमाणु दूसरे वो उसको, दादाजी बताते हैं, हमारा भाव होने से संज्ञा पुद्गल में चार्ज हो जाती है, कौन से भाव है, और वो भाव कोडवर्ड दूसरे वो कोडवर्ड रूप से रेडी हो जाते हैं, और संजोग मिले तो और शॉर्ट एंड में रेडी होके डिस्चार्ज होती है। तो ये चार्ज हुआ तब कोडवर्ड बोला जाता है, और डिस्चार्ज के टाइम शॉर्ट एंड होके रेडी रहती है, और संजोग मिले तो डिस्चार्ज होगी। तो ये वाणी जो भाव किए थे वही शब्द रूप निकल जाती है। तो ये आत्मा का भाव सीधा फल नहीं दे सकता है, सब संजोग मिल के रूपक में आता है, तो वो शब्द माध्यम हो जाता है। शब्द तो शुरू से ही, जैसा कि पहले संस्कृत भाषा, हिंदी तो या गुजराती, कोई ऐसा भाषा तो शुरू से है नहीं, वो आज का चलन के अनुसार। पर जो शब्द जो है, ये भाव से कैसे शब्द में आया, किस तरह से आया, जैसे शब्द जो भी कुछ आप मुझे समझा रहे हैं, वो शब्द के पीछे आपका जो ध्येय है और मेरा जो समझने का जो अनुभव या ज्ञान जैसा ही शक्ति है, उसके अनुसार मैं दोनों में जो डिफरेंस हो जाएगा, तो उसको क्या शब्द परफेक्ट है इसको कहा जाए, या क्या किस तरह से? नहीं, यानी मेरा ये क्या है कि कॉजेस रूप तो हो गया, अभी इफेक्ट रूप में क्या होता है कि मेरा भाव है कि आपको ये बताना चाहता हूँ, तो ये मेरा भाव है वो शब्द द्वारा निकलता है, और मेरे शब्द आप सुनने के बाद आपको भाव पहुंच जाता है, हाँ आपने जो मुझे बताया अभी मेरी समझ में आ गया। तो मेरी समझ शब्द द्वारा निकलती है और आपको शब्द द्वारा सच्ची समझ प्रकट हो जाती है। तो ये माध्यम है शब्द। पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शब्द के पीछे आपका जो भाव है और मेरे समझने का जो है, दोनों में फर्क भी हो सकता है। हो सकता है ना, पर हमारा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एक बार सुनोगे तो समझ में आएगा, शब्दार्थ समझ में आएगा,
दूसरी बार वापस थोड़ा भावार्थ समझ में आएगा, तीसरी बार तो उसका परमार्थ, ऐसे बढ़ते जाता है, समझ भी बढ़ते बढ़ते एग्जैक्टनेस तक पहुंच सकती है। बाकी बात तो दादाजी की वाणी है, उन्हें तो एब्सोल्यूट लेवल तक की बात बता दी है, हमारी समझ में कम भी आ सकती है, धीरे धीरे बार बार आराधन होने से वहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँच सकती है। जैसे कि अभी आत्मा और पुद्गल के बारे में जो आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें जो शब्द से जो लोगों को, हम महात्माओं को समझ में नहीं आती है, तो बार बार इसी के ऊपर प्रश्न आता है। तो इसी को जैसे पुद्गल कोई भी पिक्चर को समझने का जल्दी कोशिश करता है, जल्दी समझ में आता है, तो उस तरह से ड्राइंग रूपे किसी तरह का आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कि पुद्गल और आत्मा दोनों समझ में जल्दी आए किसी तरह। नहीं, बच्चे को ए सिखाना, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, हाँ तो उसने एप्पल सुना है, एप्पल खाया है, एप्पल शब्द उसको समझ में आ जाता है, तो एप्पल का ए, इसको ए बोला जाता है, हाँ समझ में आ गया। बी फॉर बैट, बैट उसने खेला है, मालूम है ये बैट, ये बैट। बी जैसे ए बी सी डी सिखाते हैं, ऐसे ये भी सिखाते हैं, ये विचार आते हैं तो हाँ वो सब पुद्गल है, खाना पीना खाते हो तो पूर्ण होता है गलन, तो ये देह पुद्गल है, वाणी भी पुद्गल है, शुरू होती है पूरी होती है, हाँ समझ में आ गया। यानी अलग अलग बात से, अलग अलग शब्द से, अलग अलग दृष्टांत से बात समझाई जाती है, आपने कुछ देखा है, जाना है, समझा है, उसके आधार से, एग्जाम्पल के आधार से मूल बात क्या कहना चाहते हो, अंतराशय समझ में आ जाता है बाद में। एक बार में नहीं आ गया तो दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे धीरे हम ये परिचय में रहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा लास्ट में। चीज वस्तु तो सब कुछ नज़र से आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पर जो दादा ने जो ज्ञान देखे है, जो आत्मा, वो चीज़ तो किसी ने नहीं देखा है, तो उसको किस तरह से शब्दों के माध्यम से परफेक्ट जो दादा बता रहे हैं वो चीज़ परफेक्ट हमको समझ में आए, वो किस तरह से? वो तो वही रास्ता है ना, हमारा ध्येय लक्ष्य में रखना है कि दादाजी ने जो देखा है, समझा है, वैसा ही हमें समझना है, दादाजी को जो अनुभव में रहता है वो हमें समझना है, वो जो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमें दिखना चाहिए, ऐसी भावना पकड़ो। और बाद में सेकंड स्टेप है कि जितनी बार हम वाणी की वाणी पढ़ते हैं तो दादाजी आत्मा अनात्मा को जुदा रखने की दृष्टि बताते हैं, तो ये दादाजी क्या कहना चाहते हैं, तो कि नहीं आप शुद्धात्मा हो, आप मानते हो मैं दीपक हूँ, वही विशेष भाव है, हाँ तो मैं ये विशेष भाव है, ये मैं सचमुच ये हूँ, मूल आत्मा आगे, तो ये शब्द के द्वारा दादाजी ने कुछ बताया, हम समझने से कोशिश करते रहते हैं और देखने की भी कोशिश कर, दादाजी क्या बताना चाहते हैं, और भीतर में ही जो आत्मा अनात्मा के बीच में ही सब झंझट खड़ी हो गई है, एक मूल आत्मा है, ट्रू सेल्फ है, एक फिजिकल है, बीच में सब रॉन्ग बिलीफ से जबरदस्त अहंकार, बुद्धि, मन, चित, रॉन्ग बिलीफ सब खड़ा हो गया है, तो ये हमें समझने के लिए दादाजी ने शब्द जो बताए वो हम देखने का प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें भी दिखाएगा, हाँ ये पार्ट दीपक का है, ये पार्ट मूल आत्मा का, तो बीच में ये अहंकार खड़ा हुआ है रॉन्ग बिलीफ से, हाँ तो सेट करते 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 हमारे आवरण टूटते जाएंगे, हमें जैसा है वैसा दिखाई देने का शुरुआत हो जाएगी। यानी कि शब्द और ज्ञान, शब्द और वाणी से ये ज्ञान का प्राप्ति संभव नहीं, बल्कि आशीर्वाद और कृपा से ही। वो तो लास्ट में तो कृपा है ही है, मगर कृपा क्या है कि हम प्रयत्न करते रहेंगे तो उनकी कृपा उतरेगी, कि नहीं आपका प्रयत्न है, चलो मैं आपको हाथ लगा के खींच लूँ, ऊपर चढ़ा दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेखर चौधरी नवादा, राजनारायण जयपुर, वनिता चांगाणी जामनगर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा नाम शेखर चौधरी, मेरा प्रश्न है इच्छा और भाव में क्या अंतर है? भाव बीज है और इच्छा फल आया वो है, भाव इस लाइफ में बीज डालते हैं, दूसरी लाइफ में इच्छा उत्पन्न होती है, और देखो कितनी बार हमें इच्छा करनी नहीं पड़ती, पिक्चर में इच्छा आती रहती है, मुझे इच्छा होती रहती है, तो ये कहाँ से आई, तो पूर्व भाव में बीज डाला था तो ही इच्छा आज प्रकट होते जा रही है, अभी उसमें तन्मय आकर नहीं होना,
वो आज का पुरुषार्थ है कि नहीं, इच्छा होती है, देखो संजोग क्या मिलते हैं, इच्छा कभी पूरी होती है, देखे ना जानना, वो हमारा आज का पुरुषार्थ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजनारायण जयपुर, अमृत रबारी मेहसाणा, हितस्विनी सोनारे भोपाल। राजनारायण जयपुर। बोलिए। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद, पिताजी के साथ में तंत्रीवासा निकलती है, खूब प्रतिक्रमण करते हैं, हो नहीं पाता है, साथ में नहीं रहते हैं मगर फिर भी जैसे महीने दो महीने में मिलते हैं ना, जब भी अपोजिट निकल जाता है, क्या करूँ? प्रतिक्रमण करो और दो महीने के बाद वापस मिले तो उसके पहले एक आध घंटा यानी रोज 10-15 मिनट निकालो, ऐसे वाणी क्यों निकल जाती है, किसी को दुख पहुँचे, तंतीली भाषा दुखदायी, क्योंकि उसके पीछे कुछ अभिप्राय होना चाहिए व्यक्तियों के लिए, नेगेटिव अभिप्राय नहीं। अभिप्राय तो ऐसे है ना, जैसे वो अमर पिताजी 70+ है, फिर भी बसों में इधर उधर जाते हैं, तो बसों में ट्रेवल करते हैं, घर से वहाँ बस पैदल जाएंगे, फिर वो दोनों भाई होते हैं तो वो तो नहीं कहते, मेरे साथ में ही अपोजिट बोलता हूँ, भाई आपके पास पैसे आप भी, फिर भी बसों में क्यों धक्के खाते हो, तो ऐसे कभी भी होने ना तो उल्टा निकल जाता। प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना। जय सच्चिदानंद, शक्ति दीजिए पिताजी के साथ में। हितस्विनी सोनारे भोपाल, अश्विन खानपरा राजकोट, मनस्वी डमकले सांगली। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को भोग क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं तो भगवान को पहले भोग चढ़ाते हैं, और भगवान को चढ़ाने के लिए भगवान तो सचमुच खाते नहीं हैं, पर इसके पीछे भगवान को हम प्रार्थना करके भोग देते हैं, तो उसके पीछे बहुत करोड़ों देवी देवता है संसार में, और देवी देवताओं का ऐसे कुछ खाना पिकाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, खाना वो काम होता ही नहीं है, तो ये हम लोग जो खाना खाते हैं उनकी सुगंध वो लोग लेके भोग, उनकी भूख मिट जाती है, और 500 साल 1000 साल 2000 साल में एक आध बार ऐसे खा लेते हैं सुगंध से ही, उनका देव लोगों का खुराक, हम जो खाना खाते हैं उसमें से सुगंध, वो सत्व रूपी सुगंध वो खींच के खाना भोग खा लेते हैं, तो ये भोग धराने का हेतु ये है कि देव देवियों को हम खुराक प्रसाद उनको धराते हैं, बाद में हम प्रसाद रूप से खाएंगे, तो ये देव देवियों को खुराक, स्थूल खुराक नहीं मगर सूक्ष्म आहार, सुगंध रूपी आहार वो खींच लेते हैं, उनका शरीर वो खाना खाया जरा ऐसा हो जाता है तृप्त, तो इसके लिए भोग भगवान को धराने का, उसके पीछे शासन देव देवियाँ हैं, बहुत सारे देव देवियाँ हैं, उनको ये भोग पहुँच जाता है। अगर हम शंकर जी को भी चढ़ाए तब भी सारे भगवान जी को भोग चढ़ जाता है? हाँ, सारे भगवान को और सारे देव देवियों को पहुँच जाता है, जिसको जरूर है उसको मिल जाएगा वो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अश्विन खान। अभी करना है तो दादा भगवान को भोग धराने का, दादाजी के साथ सबका कनेक्शन है, देव देवियों को हम त्रिमंत्र बोलते हैं, दादा भगवान जमो आहारी आहार करता है, मैं निराहारी उसको जानू, ऐसी जागृति रखो, और दादा भगवान को समर्पण किया तो दादा भगवान का कनेक्शन सारी दुनिया के देव देवियों के साथ है, उनको पहुंच जाएगा। जय सच्चिदानंद। कैलाश कुमार दिल्ली, डॉली वरु बिलाई। जय सच्चिदानंद पूछरी। मेरा नाम कैलाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ पूछरी। पूछरी, 5 आज्ञाएं हैं, इनमें पूरी तरह से नहीं रह पाता, समझ में नहीं आती, कृपया करके जितने समझ में आते हैं इतना चालू रखो, और समझने के लिए दादाजी की वाणी का परिचय में बढ़ाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। 12वीं आप्तवाणी पढ़ोगे तो उसमें संभाव्य फाइलों का निकाल, रिलेटिव रियल, सत्संग की महत्वता, जागृति, ये सब बातें मिलेगी। 11वीं पढ़ोगे तो व्यवस्थित का ज्ञान, प्रैक्टिकली कैसे वापरना चाबियां मिलेगी, तो धीरे धीरे ये आधार ले वाणी का, जिसे समझते हैं वो ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो वाणी का परिचय बढ़ाओ। अभी अप्रैल में दिल्ली में ज्ञान लिया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और पूछरी ज्ञान लेकर के बहुत अच्छा लगा, और घर में जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व होती जा रही है, और मैंने सपने में आपको देखा, और लॉकडाउन में, और वो मंगाई थी आपकी किताबें सारी, वो पढ़ी,
और उनको लेकर के मैं यहाँ तक पहुँच पाया, आपकी कृपा हुई, दादाजी की कृपा हुई। और आज अदालत जाने का मन था, वो भी पूरी हो रही है इच्छा मेरी। बहुत अच्छा। पूछ रही है, ज्ञान है दादाजी का, ये मेरी भावना है, सबको मिले, बहुत अच्छा ज्ञान है, निष्पक्षपाती बराबर है, सबको मिले, इस ये बहुत ही पावरफुल ज्ञान है, ऐसा ज्ञान मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शांति लग रही है इससे, अंदर अंदर की शांति लग रही है, बाहर की शांति जो थी वो सारी खत्म होती जा रही है और अंदर इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति मिल रही है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय सच्चिदानंद। पूछ रही हिमांशु कुमार कानपुर, डॉली वरु बिलाई, राकेश मटियानी हल्द्वानी। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। प्रश्न है कि पूछे कि मैं दूसरी वस्तु को सर यहाँ प्रवेश कर सकती है, जैसे कि कुछ बालाजी टेम्पल्स हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे इस चीज़ से ग्रसित रहते हैं सर। वो तो जुदा है। नहीं पूछ रही कि मारो पिता 10 साल से इसी चीज़ में का टाइम चला गया और मेरी माँ भी अभी तक सही नहीं हो पाई है। ओ, ज़्यादा करके कर्मों का हिसाब रहता है, शरीर में जो प्रवेश होता है वो लाख में से एक दो सच्चे होते हैं, बाकी तो एग्जैगरेशन है, हमारे ही कर्म। नहीं पर कल कोई भाई बताते थे, हमारे घर में सबको तकलीफ आ गई, हमारे घर में कुछ हो गया है, हमारे घर बदली करे। अरे घर का प्रॉब्लम नहीं है, 25 साल से रहते थे घर में तो कुछ हुआ नहीं, तो हमारे कर्म उदय में आते हैं तब तकलीफ शुरू होती है। प्रवेश किसी ने किया है और हमें तकलीफ करता है वो तो लाख में से एक दो सच्चा केस रहता है, बाकी का तो सब अपनी कल्पना है। सच्ची बात जो समझना है तो हमारे कर्म हमें फल देते ये समझो, और कर्म अज्ञानता से बांधे हैं, और एक ही उपाय है ज्ञान की आराधना, आत्मा की आराधना, ज्ञानी की आराधना। तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार करो, आरती करो, दादा भगवान से शक्ति मांगो कि मुझे जो भी आपत्ति आती है समता भाव में रह के पूरी करूँ, मुझे शक्ति दो। और आराधना करने से कर्म समता भाव से पूरे होते जाएंगे, और सबसे ऊंची बात, नए बीज बिगड़ने का बंद हो जाएगा, बीज नए ज्ञान की आराधना करने से बीज ऐसे गिरेंगे जो मोक्ष मार्ग में हमें लेके जाएंगे। और ये पूर्व में कुछ विराधना अपराध हुए हैं या राग द्वेष हुए वो कर्म धोए जाएंगे, ये सच्चा रास्ता है। बाकी किसी ने प्रवेश किया वो बाबत वो हम लोग स्वीकार नहीं करते, उसके बदले सम्यक उपाय करो। थैंक यू सुजीत जी। हाँ, राकेश मटियानी हल्द्वानी, सुनील पटेल मोरबी। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई है और सारे प्रयत्न जो हैं निष्फल हो गए हैं, और महात्माओं की और लोगों की कृपा सहयोग और दया से ही हो गया है, और दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। और दादा के प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए भी चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, एहसास है कि ये राकेश का ही अपना हुआ है, फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। उसका तो अभी क्या है कि पूर्व का हिसाब आया है जी, हमारे तरफ से तो घंटा असीम जय जयकार करो, आरती करो, विधि वांचन करते रहो और सहज प्रयत्न करते रहो, छोटा मोटा जो भी काम मिले तो कर लेने का, ये मुझे नहीं चमेगा, मैं ये नहीं करता, मैं तो ये अच्छा ही काम करूँगा, वो सब नहीं, जो भी मिले, कम से कम पैसे में नौकरी मिले तो चालू कर देने की, और धीरे धीरे आगे की स्थिति बढ़ते जाएगी अच्छी। श्री आप उसके लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति, और मेरे परिवार के लिए भी, मैं चाहता हूँ मेरे परिवार को भी पूरा ज्ञान। हाँ जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यशवंती स्वामी दिल्ली, अविनाश टोंक आरवी, रेखा निमावत भावनगर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। पूज्य श्री, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो ये सोचती हूँ सब व्यवस्थित है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, व्यवस्थित बाद में वापरना है, काम शुरू करने से पहले नहीं, हो जाने के बाद में, बाद में जो भी रिजल्ट आया वहाँ स्वीकार करो हुआ सुव्यवस्थित, पहले से नहीं बोलना है, पहले से बोलोगे तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा,
ऑफिस जाने का व्यवस्थित में होएगा तो जाना हो जा सकेंगे, नहीं होएगा तो नहीं जाने का होएगा। तो खाने में रखो, खाने का आएगा तो खाएंगे, व्यवस्थित में होएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ऐसे करते हैं। नहीं मैं ऐसे सोचती रहती हूँ। नहीं गलत है, वो सोच गलत है, बुद्धि की दखल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा जो भावनाएं आती हैं, दादाजी ने क्या बताया, ग्लास बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करो, बाद में जो रिजल्ट आया उसको व्यवस्थित कहो। जो भावनाएं होती हैं वो अच्छी बुरी, वो हाँ वो बुरी हो गई उसका प्रतिकोण कराने का, अच्छी होती है तो होने दो। देखो ये सब यशवंत की है। क्या चेंज कर सकते हैं मतलब अभी? पॉजिटिव प्रयत्न यशवंती को बताने का, पॉजिटिव प्रयत्न करो, जो भी रिजल्ट आया बाद में स्वीकार करो, फेलियर आया कि सक्सेस आया, वो व्यवस्थित हुआ सुव्यवस्थित। मतलब मुझे कोशिश करनी चाहिए? हाँ कोशिश पूरी करने की, मुझे यानी यशवंती के पास। जय सचिन। अविनाश डॉक आरबी। आप खुद ही लिखते हो कि मैं आलसी हो जाती हूँ, देखो हुआ ना आलसी, यानी अभी जागृत रहो, आलसी भी नहीं होना है और इमोशनल भी नहीं होना है, अच्छा प्रयत्न करने का, जो भी रिजल्ट आया स्वीकार करो व्यवस्थित। अविनाश डॉक आरबी, रेखा निमावत भावनगर, अम्बालाल पटेल मेहसाणा। जय सच्चिदानंद। बोलो। मैं अविनाश डॉक आरबी से, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता बताई थी और लास्ट में 5 मिनट में ही उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया था अर्जुन को, तो फिर इतनी बड़ी गीता बताने का उद्देश्य क्या था, क्या वो स्पष्ट करें थोड़ा? समझाने के लिए, समझा, समझ 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 तैयार हो गया समझने के लिए, बाद में ज्ञान दे दिया उसको, पहले उसके प्रश्न जो समाधान होता था उसका सॉल्यूशन लाया पहले। ये देखो ना इतने 3 दिन से सत्संग क्यों करते हैं, तो भाई पहले समाधान प्राप्त कर लो, बाद में ज्ञान लो, ध्यान से आपको आगे का रास्ता बाद में मिल जाएगा। और जो गीता में बाकी जो बताया गया है वो सामान्य लोगों के लिए है? ये सब बातें बताई है जनरल, उसमें से मोक्ष मार्ग के लिए लिमिटेड बात है, बाकी का जनरल बात भी है। पर वो समाधान प्रश्नोत्तरी है, गीता में अर्जुन पूछते रहता है, ये समाधान देते रहते हैं, वो सच्चा मोक्ष मार्ग में प्रश्नोत्तरी सत्संग ही हितकारी है। हमारा प्रश्न का समाधान मिले और हमें क्या प्राप्त करने का है वो समाधान से बाद में आगे बढ़ सकता है। वो तो उस टाइम में क्रमिक मार्ग था, वहाँ मन वचन का है कि एकता थी, तो उस टाइम में मगर उसको ऐसा ज्ञान मिला, लड़ाई लड़ते हुए राजपाट रानी सब था, फिर भी ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कि अकर्म दशा, कर्म करते हुए अकर्म दशा, और मोक्ष पाया अर्जुन ने, ये समझने जैसी बात है। जय सच्चिदानंद। शांतिलाल कोठारी मुंबई, मंजुला मकवाणा बोरियावी। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। हाँ ये योग मार्ग में तो चित्त का निरोध है, पर अपने अकर्म वितराग मार्ग में चित्त का शुद्धिकरण है, चित्त शुद्ध होता है। तो एक अनुभव यह रहता है कि सुबह जल्दी उठने के बाद में 8-9 बजे के बाद में वापस सोना ही पड़ता है 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए, और उस टाइम पर फिल्म चलती वैसे मतलब अलग अलग दृश्य दिखते रहते जो इस जीवन में कभी देखे ही नहीं है, और उसके बाद में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, जैसे पावर नैप के बाद में फ्रेशनेस आती है वैसे। तो ये एक प्रकार की सामायिक, इसमें चित्त शुद्धिकरण हो रहा है क्या? नहीं है? नहीं, रेस्ट लिया शरीर ने, चित्त तो हम ज्ञाता दृष्टा रह के देखे, ये फोटो आई है चित्त कहाँ कहाँ गया, उगने ही है हम ज्ञाता, तो चित्त की शुद्धि होती जाएगी। या तो नव कलमे बोलो, प्रतिक्रमण करो, चरणनिधि पढ़ो, तब चित्त की शुद्धि होती जाती है। जो अशुद्धि दुख देने का भाव से चित्त की अशुद्धि हुई है, कभी दुख नहीं देना ऐसे भाव से चित्त की शुद्धि हो जाएगी। पर पुजिसरी अवेयरनेस दृष्टा रहने से भी चित्त की शुद्धि हो जाती है, पर अवेयरनेस रहती है सामायिक की जैसी अवेयरनेस रहती है, वो अच्छा रास्ता नहीं है। ये तो लोग सीख जाएंगे पावर नैप लेने का और चित्त की शुद्धि हो जाएगी, हम आत्मा में ज्ञाता दृष्टा रहे, और शरीर उगता सोते रहता है और खुद भी बेभान स्थिति में है और मानता है कि मुझे अच्छा चलो चांस मिल गया, ये रास्ता सही नहीं है, इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा था। हाँ तो नहीं सच्चा रास्ता, ये शरीर को और चित्त ये डिस्चार्ज में कितने भी डिस्चार्ज परिणाम कुछ, और आपको सब याद है कौन से विचार आ गए थे, कौन से फिल्म फोटो दिखे थे? विचार नहीं खाली दृश्य दिखते, फोटो दिखते सब याद है, लिख सकते हो पूरा? नहीं ये घेन
डोजिंग है डोजिंग, और डोजिंग में विकृति है सब, डिस्चार्ज परिणाम है, उसकी इम्पोर्टेंस मत रखो। जागृत काल में किसी को दुख पहुंचा, कहीं दृष्टि बिगड़ी, उसके प्रतिगुण प्रत्याख्यान कराओ, उससे जरूर शुद्धि हो जाएगी चित्त की। और पूज्य श्री, आपने एक बार पहले क्लैरिफाई किया था, जैसे शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन बराबर शुद्ध चित्त, वही शुद्धात्मा है, वही शुद्धात्मा। तो शुद्ध चित्त जो चित्त है वो तो अंतःकरण का पार्ट है, वो तो रिलेटिव अशुद्धि है वहां तक अंतःकरण का पार्ट है, शुद्ध हुआ तो आत्मा रूप हो गया, खुद आत्मा में विलय हो जाता है, आत्मा रूप हो गया, बराबर है। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। विनोद शेठ दिल्ली, स्नेहा प्रजापति मेहसाणा, सीताराम अजमेर। विनोद शेठ दिल्ली, पूज्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री को मेरी बेटी के साथ बहुत टकराव होता है, मुझे उसकी हर बात पर क्रोध आ जाता है, मेरा टकराव के समय ज्ञान नहीं रहता, मेरा कम लोगों के साथ टकराव होता है, बेटी के साथ टकराव में मुझे बहुत दुख होता है। पूज्य श्री मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे क्रोध ना आए? और बेटी के प्रति श्री कितने अभिप्राय है चेक करो, और उसकी प्रकृति है, कुछ डिमांड करेगी, कुछ अपेक्षा रखेगी, कुछ व्यवहार होते रहेगा, हम ज्ञान से सॉल्व करेंगे, समता भाव में रह के सॉल्व करना है। पूज्य श्री मेरा भाव यदि है बेटी के प्रति, परंतु प्रकृति के दबाव में से सब कुछ में जाता है, इसका मुझे सलूशन बताइए। हाँ ना, बातचीत करो प्रेम से कि भाई बेटा तू क्या चाहती है, मेरी अपेक्षा, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है या मेरी अपेक्षा इतना नहीं किया तो अच्छा है, इतना करो तो अच्छी बात है, समाधान पूर्वक सॉल्यूशन निकालो, उसका व्यू पॉइंट समझो, क्या कहना चाहते हो, हमारे व्यू पॉइंट बताओ कि मेरी इच्छा यह है, मेरा व्यू पॉइंट यह है, हम दो कदम इधर आप आइए, मैं दो कदम इधर आता हूँ, हम सॉल्यूशन लाए, हम क्यों एक दूसरे के साथ टकराव करके दुखी रहे, समाधान पूर्वक आगे बढ़े। जी श्री, उसके साथ मेरा टकराव बहुत हो जाता है, हम अगर किस वजह से, किस वजह से होता है फाइंड आउट करो, नहीं बस टकराव हो जाता है, कुछ पता नहीं है। उसकी अपेक्षा कुछ है, उसकी कुछ डिमांड है, उसको कुछ चाहिए, उसका समाधान लाओ। समाधान भी करता हूँ फिर भी नहीं हो पाता। हाँ तो प्रतिक्रमण चालू करो कि उसके प्रति इस लाइफ का नहीं तो पूर्व भव का कुछ राग द्वेष वैर जैर है, एक दूसरे को दुख हो जाता है, दिल से क्षमा मांगो और दादाजी से प्रार्थना करो, फाइल का संभाव से निकाल करके छूटना है। पूज्य श्री मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा किसी के साथ भी कभी टकराव ना हो और मेरे घर में सब ज्ञान ले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सीताराम अजमेर, जागृतिबेन मानसा, अनिल मेर चौटिला। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री सीताराम, भावना और भाव में क्या अंतर है? भाव यानी बीज है, भावना यानी फल है, कॉज इज एनी इफेक्ट। जैसा जो भाव बीज डाले थे मुझे सबको खिलाना है, दूसरे भाव में हमें भावना होते तो इस प्रोग्राम में मेरे तरफ से खिलाना है, वही भावना चालू हो जाएगी, ये कहाँ से भावना आई, तो भाव डाले थे बीज। समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।